हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ देवलीना। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है। अभी मैं मेरा मम्मी मौसी बहन के साथ थोड़ा शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ। तो रास्ते पे बात करूँगी और आप लोगों को भी थोड़ा शॉपिंग दिखाऊँगी और हमारा जो इधर मेरा जहाँ पे घर है कैसा है वो जगह भी थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल लेट हो रहा है, ट्रेन मिस हो जाएगा, रास्ते पर बात करती हूँ। तो हम लोग घर वापस आ चुके हैं। अभी बज रहा है शाम के 7:30। तो अभी अभी जस्ट आई हूँ, आके मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ। अभी थोड़ा सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ जो भी शॉपिंग मतलब मैंने कुछ नहीं खरीदा है। मम्मी ने पूजा पे, दुर्गा पूजा के पूजा पे साड़ी नहीं दिया था, क्योंकि मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मुझे साड़ी नहीं चाहिए, कुछ ड्रेस वगैरह लूँगी, क्योंकि पूजा ख़त्म हो रहा है। अभी इतना सा पहले से साड़ी पड़ा है और साड़ी लेके क्या करूँ, इसलिए कुछ कुछ चीज़ लेके आई हूँ। कपड़ा आप लोगों को सोच रही हूँ दिखा दूँ। गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब है इधर का। तो पहले दिखा देती हूँ, एक बैग लेके आई हूँ। हम लोग गए थे रिलायंस ट्रेंड्स पे। तो अभी एक मैं ऐसा एक जूट का बैग है, आप देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ा है, मतलब एक साथ बहुत सारे चीज़ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है, जब बाहर कहीं पे जाओ या स्टाइल में भी बहुत ही अच्छा है इसका। कुछ भी ड्रेस के साथ आप इसको ले सकते हो। मुझे सबसे ज़्यादा ये पॉम पॉम पसंद आया है, इसीलिए मैं इसको लिया है। तो एक ही बैग लिया है मैंने। और एक ऐसा एक टी शर्ट लिया है, ऐसे ही नॉर्मली कैजुअली पहनने के लिए, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिया है। कम बजट का जो अच्छा है, जो कैजुअली मैं यूज़ कर सकती हूँ, वही लिया है मैंने। तो एक टी शर्ट है, इसका जो प्रिंट है मुझे बहुत अच्छा लगा था।
ये मैंने एक लिया है, फुल स्लीव पे है, ये हल्का ठंडी पे बहुत ही अच्छा है पहनने के लिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा भी बारिश होता है या एसी पे आती हूँ जाती हूँ तो बहुत ही ठंडा लग जाता है, इसलिए मैंने ऐसा 3 खरीदा है। हाँ तो दो सारे ऊपर का टॉप ही लिया है मैंने, एक जीन्स खरीदा है, ये भी एक हल्का स्वेटर जैसा ही है, बहुत ही अच्छा है, फुल स्लीव में है, हल्का सर्दी में पहनने के लिए, बहुत ही विंटर सीजन में बहुत ही अच्छा है जीन्स के ऊपर पहनने के लिए। ये भी फुल स्लीव पे है, लेकिन एक मतलब टॉप है, स्वेटर नहीं है। इसका सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मतलब लगेगा कि ऊपर टी शर्ट है, उस ऊपर शर्ट है और नीचे टी शर्ट है ऐसा इसका, लेकिन ये जुड़ा हुआ है तो ऐसे है सामने से। और एक हाई नेक स्वेटर लिया है मैंने, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा ठंडी होगा तभी पहनने में अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट है इसका मटेरियल। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं आज स्वेटर के ऊपर ही लिया है, क्योंकि मुझे मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होता है एसी में ट्रेन पे सफ़र करने में, तो इसीलिए, और सर्दी का मौसम भी आ रहा है तो थोड़ा सोचा कि जीन्स के ऊपर पहनने के लिए थोड़ा स्वेटर के ऊपर ले लेती हूँ, तो इसीलिए ऐसा ही कुछ लिया है मैंने। ज़्यादा कुर्ती वगैरह ये सब नहीं लिया है, क्योंकि पहले से ही मम्मी कुर्ती खरीद के रखी थी, मैं भी खरीद के लेके आई थी, और नया मेरे पास था जब 2 महीने पहले मैं घर आई थी, तब भी रिलायंस ट्रेंड से बहुत सारे कुर्ती लेके खरीद के लेके गई थी। तो ऐसा एक जीन्स लिया है मैंने, मॉम फिट जो जीन्स है वही लिया है मैंने। ये मुझे एक ऐसा जीन्स मुझे बहुत पसंद है, कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं, तो एक ही जीन्स लिया है और ऊपर का इतना सारा मतलब टॉप लिया है। और ये तो मैं अष्टमी के दिन ये कुर्ती पहनी थी, मम्मी ये कुर्ती खरीद कर रख दिया था पहले से, अष्टमी के दिन मैंने पहना था, तो सोच रही को दिखा देती हूँ क्योंकि मम्मी ने गिफ्ट किया है, तो आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये भी मम्मी ने ही गिफ्ट किया है। ये 3/4 पे है, 3 स्लीव्स के ऊपर इसका, मतलब ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। और मम्मी ने एक वन पीस का टाइप, ये वन पीस ही है, मम्मी ने खरीद के रखी थी, मम्मी ने इसको टॉप जीन्स के ऊपर टॉप समझ के खरीद के रखी थी, लेकिन ये है वन पीस, 3 स्लीव्स के नहीं, ये फुल स्लीव पे है, बहुत अच्छा है। तो इधर तो मतलब मम्मी का घर जहाँ पे है, मैं इधर ऐसे मतलब वन पीस के हिसाब से इसको पहन के नहीं निकल सकती, तो इसके लिए इसको नहीं पहनी हूँ, इसको लेकर रत्नागिरी जाऊँगी। तो ये भी मुझे पसंद आया है। तो इतने सारे शॉपिंग के बाद कुछ गिफ्ट मिला है रिलायंस ट्रेंड्स पे, यही सबसे बड़ा अच्छी बात लगता है रिलायंस ट्रेंड्स का, कि कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदारी पे ये लोग देता ही है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो ऐसे एक बिरयानी ऑर्डर दिया है, नॉन स्टिक का है, और ये ऊपर का ढक्कन ऐसा है, ये माइक्रो, ये इंडक्शन बेस का है। बस ये एक अच्छा चीज़ है कि आप इसको इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो और गैस पे भी यूज़ कर सकते हो, क्वालिटी अच्छा है, मतलब गिफ्ट गिफ्ट पे कुछ भी मिल जाता है तो अच्छा ही लगता है। और सबसे बड़ा जो गिफ्ट पसंद आया वो है एक बावल कैसा रोल सेट है, 3 पीस का,
ये बहुत पसंद आया मुझे, एक दिखा देती हूँ आप लोगों को। मतलब गिफ्ट पे कुछ भी मिलता है ना, एक छोटा सा भी इतना कुछ आपको गिफ्ट में मिलता है तो थोड़ा अच्छा ही लगता, सबको अच्छा लगता है। तो ये है ऊपर का लिड, प्योर ग्लास का है। और एक चीज़ अच्छा है कि ये माइक्रोवेव में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, माइक्रोवेव बेस का है ये आसान, मतलब आप इसको माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हो, यही सबसे बड़ा इसका खासियत है और मुझे इसीलिए ये ज़्यादा पसंद है। हाँ, इसके लिए 400 रुपये पे करना पड़ा था। तो ऐसा है, तो ऐसा ही और भी दो है, एक 1.5 लीटर का है और एक है 1 लीटर का, तो इसीलिए एक ही आप लोगों को दिखाती हूँ और पैकेट से नहीं निकालूंगी क्योंकि इसको फिर से अच्छे से पैकिंग करना पड़ेगा। तो यही है आज का शॉपिंग जो मम्मी ने मुझे दुर्गा पूजा में ख़रीद के दिया है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आज के लिए वीडियो को मैं यही पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का शॉपिंग वीडियो, मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलूँगी नए ब्लॉग, नए वीडियो और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।